Another successfully growing initiative by the Vodafone Foundation is the Jadu Ginnika. A financial literacy program running in 16 states of India, which empowers people from varied diaspora on the basic concepts of financial management. हम लोग इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो है भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जितने भी सारी भारत सरकार जो योजनाएं चलाती हैं उनको जो हम लोग का ये मुख्य उद्देश्य है कि वो सारे लोगों तक हमारे जितने भी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस जो है यूथ है, MSME सेक्टर्स लोग हैं और किसान हैं, महिलाएँ हैं, 15 साल के ऊपर जितने भी यूथ हैं उन सभी लोगों का जो हमारी ये टारगेट ऑडियंस है इन सभी लोगों तक हमको जो है अपनी इन सारी जानकारी को पहुँचाना है। इसी के माध्यम से ये हमारा एक हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी चालू हुआ है गली गली गांव गांव, इसके माध्यम से हमारी जो एक वैन है वो वैन जो है जिसमें कि 7 राज्यों में जो जा रही है वैन जा रही है और ये वैन भी वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और उसमें भी वैन के माध्यम से हम लोग गांव में जाते हैं पंचायत स्तर पे और पंचायत स्तर पे जाते हैं वहाँ पर हमको वैन में जो है हमारे ट्रेनर्स साथ में होते हैं वो लोग ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी बताते हैं लोगों को। इस तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। ऐसे दो भाग कर दीजिए, एक साइड लिखिए अपनी आवक, अपने बच्चे को 10 रुपया दिया हो या 50 रुपया का राशन लाया हो वो लिखिए। इसमें जो हमारा ये जो मॉडल है वो मॉडल इस तरीका है कि इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है जिनके ये हमारा कास्केड मॉडल है। कास्केड मॉडल का मतलब ये है कि हम इसमें सबसे पहले हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है और ब्लॉक लेवल में हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं जैसे कि हमने किसी डिस्ट्रिक्ट में गए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने वहाँ के जितने भी ब्लॉक लेवल पे SHGs के मेंबर्स हुए हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं हम तो इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें स्टूडेंट्स को हम लोग पहले ट्रेन करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में। हमारा 9 आवर का पूरा शेड्यूल है, इसमें हमारे पास जो है वीडियोज़ हैं वीडियोज़ के थ्रू हम इनको बताते हैं उनको सिखाते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ कार्ड हैं जादू गिन्नी के एक्टिविटी कार्ड, उनको हम नीड्स एंड वांट्स के बीच में डिफरेंस करना बताते हैं और इसके अलावा इसमें जो है हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे हम लोग एक फाइनेंशियल डायरी जो है हम लोग बजट की प्रॉपर प्लानिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे गाँव में वित्तीय साक्षरता मिशन के अनुरूप हमको आय व्यय बचत के बारे में बताया था, उन्होंने हमें बताया तो उसके हिसाब से हमने अपने इन डायरी बनाकर और इन वित्तीय डायरी के द्वारा सब लिखा पढ़त करके आय व्यय के बारे में लिख करके और उससे हमने अपनी बचत करना आरंभ किया। जो मोदी जी की योजना चली थी जैसे 330 जीवन ज्योति की 330 वाली योजना है और जो 12 रुपए साला वाली योजना है, जो LIC की योजना है, ये योजना हमने अपने परिवार में अपने घर वाले सदस्यों को बता करके हमने खुलवाई और उससे हमने प्रॉफिट लिया और उससे हमें आगे जाके भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। चार के खर्चे कम हो जाएंगे और हमारी बचत होना चालू हो जाएगी, तो हमने अपनी बचत कहाँ जमा करनी है कहने में। पहले तो नंबर अपने घर में ही लागू किया, जैसे जो प्रधानमंत्री जो योजनाएँ हैं ना जीवन ज्योति बीमा योजना मैंने अपना करवाया, अपने हस्बैंड का करवाया और उसके बाद मैं समूह चलाती हूँ, मैंने अपनी महिलाओं को बताया, मैंने अपने समूह की महिलाओं को बताया और उनको डायरी बनाना बताया जैसे कि डायरी बनाओ, डायरी में जैसे कि हमारे फालतू खर्चे आ जाते हैं, हमारी आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा हैं, तो मैंने अपनी महिलाओं को जागरूक किया है कि डायरी बनाने के अपने खर्चे लिखो जिसमें कि हम डायरी बना लेंगे तो हमें उसने हमने ज़रूरत की और नहीं ज़रूरत के खर्चों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो मेरी महिलाओं ने डायरी बनाने चालू कर दी है जिससे मेरे समूह की महिला जागरूक हुई हैं। मैं बाहर आती जाती हूँ, मैंने उनको भी जागरूक किया है, वो भी अपने गांव में आस पास है रिश्तेदारों में इसके बारे में जानकारी देती हैं। जादू गिन्नी के प्रोग्राम से मेरे पर प्रभाव पड़ा, मैं जब कहती हूँ कि मेरे पूरे गाँव में प्रभाव पड़े, जैसे मैं बाहर निकल के जाऊँ तो उन पर भी प्रभाव पड़े।